नमस्ते, मैं सौरभ हूँ और ये भी सौरभ है। ये हर बार क्या हो गया? अब है ही क्या करें, मतलब मुझे तो फील्ड में बड़ा झेलना पड़ा है। क्या छोटा झेलना पड़ा? सबको बड़ा सौरभ चाहिए, मिलता छोटा सौरभ का तो रीबॉक और रीबुक वाला हो जाता था। हाँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर छोटा सौरभ बड़ा सौरभ बनता है, जी, और हर चैलेंजर चैलेंज के बाद सफल हो ये भी जरूरी नहीं है, है? ये मैं इस वीडियो के संदर्भ में कह रहा हूँ, इस चुनावी वीडियो के। एक शहर है मध्य प्रदेश का, रीवा, और रत्न प्रसूता ये एक शब्द है संस्कृत का। ऐसी जगह जहां पर उज्जवल किस्म के लोग पैदा होते हैं, जैसे लल्लन टॉप शो के प्रोड्यूसर आशीष उसी रीवा में पैदा हुए, अद्भुत किस्म के लोग। एक हमारी मित्र हैं इंदौर की, धरा, वो भी वहीं से हैं। और ये सारे लोग ऐसे खगोर किस्म के होते हैं, खोजी किस्म के भी होते हैं। खोजी भी होते हैं। एक खोजी हेडिंग लगी है हमारी। एक खोज हुई वहां पे रीवा में जब हम चुनाव के लिए पहुंचे कि साहब ये जो पूरे देश में कफ सिरप का नशा फैला है ये हमने इजाद किया, गोया बड़े गर्व की और बात आपका जाना फायदेमंद है, डिस्कवरी भी आप में हो गई एक तरीके डिस्कवरी से। हो गई। हाँ, और एक रीवा वालों की और कमाल बात है, वो बाघ को शेर बोलते हैं। हाँ, बोले वहां रीवा गए हमने कहा, बोले सफेद शेर हमारे यहां हुआ ढूंढा था। था, हाँ वो विकिपीडिया तो में मिलता मैंने है। कहा कि यार सफेद शेर, गिर में शेर हैं, इधर बाघ हैं, हो सकता है कहीं से आया हो उसका नाम मोहन। मोहन। फिर मैंने हाँ उसकी वो फोटो गूगल किया, तो मैंने कहा ये तो बाघ है। बोले हाँ वही तो, शेर। तो ऐसा रीवा जहां बाघ इज इक्वल टू शेर, जो दहाड़े वो शेर है, हाँ, जो दहाड़े वो जो शेर दहाड़े वो शेर। और रीवा का शेर कहते थे वो श्रीनिवास तिवारी को, बड़े नेता थे कांग्रेस का, दावा नेता, अर्जुन सिंह के विरोधी खेमे के थे। तो दादा और दद्दा के बीच का वहां पे ये सब चलता रहता था मामला। रीवा की सीट बड़ी दिलचस्प थी सौरभ इस बार, क्योंकि वहां से राजेंद्र शुक्ल, शिवराज सरकार के ताकतवर मंत्री, वो चुनाव लड़ रहे थे, और उनके सामने वो चुनाव में थे जो कभी भाजपा के नेता थे। चुनाव के कुछ महीने पहले तक जिला पंचायत के अध्यक्ष अभय मिश्रा और उनकी पत्नी पिछले चुनाव में भाजपा से चुनाव जीती थी, रीवा जिले की एक दूसरी सीट से। मतलब बीजेपी वर्सेस एक्स बीजेपी हो गया हाँ, था, बीजेपी वर्सेज एक्स बीजेपी हो गया था। और यहाँ पे सिरप के अलावा जो एक कफ बिल्डर सिरप का और नाम नशा, आप। समदड़िया, समदड़िया एक बिल्डर हैं जबलपुर के हैं, जिन्होंने रीवा में बहुत कंस्ट्रक्शन किया, और ये इल्ज़ाम लगते हैं कि रीवा में सरकारी ज़मीन उन्हें औने पौने दामों पर दी जा रही है, उसको लेकर लोग बड़े नाराज़ भी दिख रहे थे। पर ये भी कह रहे थे कई लोग कि आज आपको जो ये रीवा चमकता हुआ लग रहा है, शहर जैसा लग रहा है, चौड़ी सड़कें हैं, लाइटें हैं, वगैरह वगैरह है, ये सब राजेंद्र शुक्ला की वजह से। तो पक्ष विपक्ष दोनों के तर्क बिल्कुल, सुनने कल में आए आशीष भी थे। मुझे यही बता रहे थे कि समदड़िया के लोग समर्थक हैं राजेंद्र शुक्ला के, वो कहते हैं इन्होंने शहर बना दिया, और जो विरोधी है वो बोलते हैं कि शहर बेच दिया वहां पे एक समदड़िया। बड़ा शानदार ऑडिटोरियम भी है, वो भी हालांकि समदड़िया ही बना रहे हैं, जो राज कपूर और उन सब की मेमोरी से जुड़ा हुआ है। जी ये राजेंद्र शुक्ला हैं, और अभय मिश्रा दिखाइए जरा तस्वीर, ये अभय मिश्रा है ना। तो माय, हमने आपको ये सब बता दिया। इसके अलावा रीवा वो शहर है जहां पर जब SC ST एक्ट के विरोध में सवर्णों ने प्रदर्शन निकाला था, तो रीवा में बड़ा जुलूस निकला था, जी और जुलूस काफी उत्तेजना में था, और भद्दी भद्दी गालियां भी दी जा रही थी एक और चीज नेताओं आशीष ने मुझे बताया कि वहां हजारों व्हाट्सएप ग्रुप बन गए माइक लाल नाम से, और को। बहुत चला वो आपस बहुत में शेयरिंग माहौल लेकिन बनाने के लिए। आखिरी में नतीजा ये रहा कि भाजपा यहां से सीट निकाल ले गई, सीट निकाल ले गई। क्या था नतीजा? 18,000, बड़े मार्जिन से सीट बड़ा निकाल ली मार्जिन है। हो गया हाँ, जिस हिसाब से माहौल चर्चा हो रही थी, मगर उस हिसाब से। देखिए सौरभ, इसमें क्या है कि मैं यूपी कवर किया, गुजरात, हिमाचल किया, अब ये तीन राज्य किए। शहर, सिर्फ शहर के हिसाब से हमें थर्मामीटर पे वो कितना ऊपर नीचे हो रहा नहीं नापना चाहिए, क्योंकि रीवा की सीटें, इसमें आसपास के ग्रामीण इलाके भी होते हैं, है ना। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि जो विरोधी होते हैं वो मुखर बहुत होते हैं, लेकिन जो साइलेंट वोटर है, चुप है, आप पूछोगे कि किसको वोट दोगे, भैया आप जिसको बता दो, उस पर काम करने की बड़ी ज़रूरत होती है। और अभय मिश्रा के खिलाफ एक चीज़ और गई, जो कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता था, जैसे लोग हैं ना कि 5 साल से तैयारी कर रहे बिल्कुल, हैं, उम्मीदें पाल रहे हैं, वो नहीं जुट पाया, और कई लोगों ने इनकी भी दबंग छवि पर सवालिया निशान उठाए थे। और रीवा जहाँ पर हमें पता चला कि नहरों में पानी कम और खाली कफ सिरप ज़्यादा हैं, ओवर द काउंटर बहुत कफ सिरप बिकते हैं, बहुत नशा होता है, आखिरी में हम सिर्फ ये प्रार्थना और उम्मीद कर सकते हैं कि रीवा इस कफ के सिरप का जो नशा। नशा है उससे मुक्त हो और स्वस्थ जीवन जिए। स्वस्थ जीवन की कहानियाँ, जीवन के आगे और पीछे जो चीज़ें रहती हैं, जो जीवन का निर्माण करती हैं, जिसमें एक अहम चीज़ है सियासत,
उनकी कहानी आपको सुनाता रहेगा आपका अपना ललन टॉप। अगर आपको ललन टॉप की चुनावी कवरेज, मुख्यमंत्री वाले किस्से और सौरभ जैसे रणवाकरों के जमीन पर जाकर किए गए रिपोर्ट पसंद आए हैं और आप चाहते हैं कि ये सिलसिला अनवरत जारी रहे, इसको समर्थन दीजिए। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर लाइक करिए और हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया।